Hello everyone, today we are going to discuss about proximity effect and corona effect. In today's lecture, we are going to cover proximity effect and corona effect. In proximity effect, we will first see the definition of the proximity effect, then we will see the factor affecting the proximity effect, then the effects of proximity effect we will see. And in corona effect, we will see the definitions, then we will see the factor affecting the corona effect, then we will cover the disadvantages of corona effect and method of reducing corona effect. Now, what is proximity effect? Let's see the definition. When the conductor carrying the high alternating voltage, then the currents are non-uniform distributed on the cross-section area of the conductor. This effect is called proximity effect. As we can see in this figure, that this is nothing but this is the cross-section area of the conductor. Okay, so now we can see the red zone is nothing but the current density. Means current is concentrated in the outer areas of the conductor. This effect is nothing but proximity effect. Let's see how it happens and why it happens. Case 1. When nearby conductors carrying a current in same direction, the current is concentrated at furthest side of the conductor. मतलब जैसे कि कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, दोनों अगर कैरी कर रहे हैं करेंट इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स देयर विल बी अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन दिस टू कंडक्टर, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू कंडक्टर. नाउ इन दिस फिगर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो कंडक्टर हैं, एक सपोज एक है ए, एक है बी, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मेन करंट का डायरेक्शन क्या है, बोथ में इन सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है. तो इसके कारण क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे सपोज इन कंडक्टर ए में क्या हो रहा है, there is because the current is flowing through the conductor and hence it is producing what, magnetic field around it, changing magnetic field is produced around the conductor A, and this is represented by blue lines over here, and it is linking with the conductor A, and the direction of the changing magnetic field can be determined by right hand thumb rule. से हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस डायरेक्शन. तो ये क्या कर रहा है, ये कंडक्टर बी में लिंक कर रहा है. तो कंडक्टर बी में जब लिंक कर रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज इंड्यूसिंग अ लूप करेंट, दैट इज़ नथिंग बट वट एडी करेंट. तो एडी करेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये जो ब्लैक डॉटेड पार्ट है इन द कंडक्टर बी, ये क्या है, कुछ नहीं, एडी करंट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन द फर्दस्ट पार्ट, मतलब दो कंडक्टर है जो आउटर पार्ट में क्या हो रहा है, जो एडी करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, इन दिस डायरेक्शन है. और सिमिलरली इन द इनर पार्ट में क्या है, मतलब नियरेस्ट टू द कंडक्टर पार्ट जो है, दूसरे कंडक्टर से जो नियरेस्ट पार्ट है उसमें डायरेक्शन क्या है, ऐसे है. तो मेन करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेन करंट इस डायरेक्शन में, इसके कारण क्या हो रहा है, लोअर करंट हो रहा है, दैट इज़ मेन करंट माइनस एडी करंट हो रहा है. और इन द आउटर फर्देस्ट साइड ऑफ द कंडक्टर में क्या हो रहा है, हायर करंट, मतलब मेन करंट प्लस एडी करंट हो रहा है. तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण वी आर गेटिंग दिस, दैट इज़ हम लोग का जो करंट डेंसिटी है अक्रॉस द फर्देस्ट साइड ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है. सिमिलरली
सिमिलरली कंडक्टर बी का भी कंडक्टर ए के साथ लिंक करेगा. सिमिलरली कंडक्टर बी का भी क्या होगा, बी के अक्रॉस से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा, कंडक्टर ए के साथ भी लिंक करेगा इस तरीके से. इस तरीके से कंडक्टर ए के साथ भी लिंक करेगा और यहाँ पे भी क्या होगा, एडी करंट फ्लो करेगा, तो उसमें भी सेम केस होगा. तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग करंट कंसंट्रेट कर रहा है इन दी फर्दर साइड ऑफ दी कंडक्टर, यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, हैंस द करंट डेंसिटी इंक्रीज इन द फर्दर साइड ऑफ दी कंडक्टर. तो सिमिलरली इन केस टू, केस टू में क्या है, अगर करंट का डायरेक्शन एक दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है, एक में दिस साइड है और एक में ऑपोजिट साइड में. तो क्या है, व्हेन द नियर बाय कंडक्टर आर कैरिंग अ करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, द करंट इन द इज कंसंट्रेटेड एट द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम सिमिलर केस है. यहाँ पे भी क्या है, ये डॉटेड लाइन जो है ये क्या है, ये शो कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर ए. दिस इज कंडक्टर ए, सपोज दिस इज कंडक्टर बी, तो प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर ए. तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ लिंकिंग विद द कंडक्टर बी एंड हैंस इन कंडक्टर बी वी कैन सी द डॉटेड लाइन, इट इज़ प्रोड्यूसिंग वट, एडी करेंट, और एडी करेंट इट इंड्यूस्ड एडी करेंट इन द कंडक्टर बी. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का डायरेक्शन ऑफ द एडी करेंट है दिस साइड में इस साइड को है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एडी करेंट इन द आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर बी इज़ इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का मेन करंट के साथ एड अप हो रहा है, तो हैंस इस साइड में हम लोग का करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे क्या है, मेन करंट से हम लोग का एडी करंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हैंस बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट सो हैंस दिस साइड में हम लोग का डेंसिटी ऑफ द करंट इज डिक्रीज्ड, मतलब डेंसिटी ऑफ करंट इज डिक्रीज. सो हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस हम लोग का क्या हो रहा है, जो नियरेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर जो है, दोनों कंडक्टर का जो नियरेस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है. तो दिस फेनोमेनन इज नथिंग बट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो क्या होगा, द ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है बिकॉज करंट डेंसिटी, करंट इज कंसंट्रेटिंग इन द इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर्स एंड हैंस ओवरऑल करंट डेंसिटी, करंट कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड. सिमिलरली एसी रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या क्या है. पहला है फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर, हम लोग का साइज ऑफ द कंडक्टर, दोनों साइज ऑफ द कंडक्टर अगर हम लोग का रिड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा. सिमिलरली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, अगर हम लोग इन दोनों के बीच का, अगर इन दोनों कंडक्टर के बीच का अगर हम लोग दूरी अगर बढ़ा दें, सॉरी इन दोनों कंडक्टर के अगर हम लोग डिस्टेंस अगर इंक्रीज करें तो हम लोग का क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा. सो ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है, बट इन द पावर केबल्स एज द कंडक्टर्स आर क्लोजली पैक्ड सो इट इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एग्जिस्ट करता है इन द पावर केबल्स बट नॉट इन द ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन. सिमिलरली अब क्या है, नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर. तो क्या है, सॉलिड कंडक्टर, अगर हम लोग का सॉलिड कंडक्टर है तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा होता है, बट इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर जैसे कि ACSR है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो इसमें क्या होता है, बिकॉज स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज़ करते हैं, उसका डायमीटर क्या होता है, तो उसका साइज ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, स्मॉल रहता है, तो इसके कारण क्या, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी रिड्यूस होता है. होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज कोरोना इफेक्ट, लेट्स सी द डेफिनेशन. द फेनोमेनन ऑफ आयोनाइजेशन
ऑफ सराउंडिंग एयर अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू विच ल्यूमिनस ग्लो विथ हिसिंग नॉइज इज राइज इज नोन एज कोरोना इफेक्ट. एंड तो कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग का मैक्सिमम इट हैपेंड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो वहाँ पे क्या होता है जो सराउंडिंग एयर जो होता है तो उसको क्या करता है, हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है दैट एयर इज गेट आयोनाइज्ड एंड ड्यू टू दैट आयोनाइज वी विल सी व्हाट ल्यूमिनस ग्लो एंड हीजिंग नॉइस एज वी कैन सी इन द फिगर. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग का ल्यूमिनस ग्लो हो रहा है, वायलेट ल्यूमिनस वायलेट ग्लो हो रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे एक साउंड हीजिंग नॉइस भी हम लोग को सुनाई पड़ता है. नोट, एट लो वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज नथिंग ऑकर एज द स्ट्रेस इज टू स्मॉल टू आयोनाइज द एयर. मतलब अगर लो वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज अगर लो है तो उस केस में क्या होता है, तो हम लोग का स्ट्रेस भी स्मॉल रहता है, तो इसके कारण क्या होता है एयर जो होता है सराउंडिंग द कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड के जो एयर होता है उसको हम लोग उसका वो आयोनाइज नहीं करता है, नहीं कर पाता है. बट वेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड सम थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फर्दर इंक्रीज करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग का इंक्रीज होता है तो क्या होता है, नोन एज अ क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ऑकर एट अप्रॉक्सीमेट 30 kV. तो 30 किलो वोल्ट में क्या होता है, द फील्ड स्ट्रेंथ बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू आयोनाइज. तो अब 30 किलो वोल्ट में क्या होता है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या रहता है, सफिशिएंट रहता है, तो वो क्या करता है सराउंडिंग एयर है उसको आयोनाइज करने के लिए सफिशिएंट रहता है. तो इसके कारण क्या होता है हम लोग का एक ल्यूमिनस ग्लो हम लोग को दिखाई देता है, वायलेट ल्यूमिनस ग्लो दिखाई देता है जैसे इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, एंड हीजिंग नॉइज भी राइज होता है. नाउ ये जो क्रिटिकल डिस्टर्ब वोल्टेज है ये क्या है, इट इज़ अ मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ओकर्स. होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ ये जो क्रिटिकल डिस्टर्ब वोल्टेज है ये क्या है, इट इज़ अ मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ओकर्स. होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ वॉट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोना लॉस. सबसे पहले क्या है, एटमोसफियर, जो एटमोसफेरिक कंडीशन है के अकॉर्डिंग कोरोना लॉस इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तो इन दी स्ट्रॉमी वेदर में क्या होता है और बैड वेदर कंडीशन में क्या होता है, कोरोना लॉस क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, बिकॉज कोरोना लॉस इज डिपेंडिंग अपॉन द एटमोसफेरिक कंडीशन अक्रॉस द कंडक्टर. तो बैड वेदर में क्या होता है, मॉइस्चर एंड द मॉइस्चर इज मोर प्रेजेंट अराउंड द कंडक्टर, हैंस द मोर नंबर ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट अराउंड द कंडक्टर, हैंस the corona loss increases. Similarly, conductor size. तो हमारा corona loss जो है वो conductor size के ऊपर depend करता है, conductor size के ऊपर depend करता है और conductor का shape के ऊपर भी depend करता है. तो solid conductor में अगर हम लोग का solid conductor है तो इसमें क्या है, corona loss क्या होता है, decrease करता है. But in stranded conductor जैसे कि AC SR क्या है स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो इसमें क्या होता है हमारा जो सरफेस है, बिकॉज जो सॉलिड कंडक्टर है उसमें सरफेस क्या है, स्मूथ रहता है, ठीक है. बट इन ACSR क्या आता है, द सरफेस क्या रहता है, अनइवन रहता है और हैंस और कंडक्टर सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं रहता है. तो इसके कारण क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है जिसमें कोरोना ओकर होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाता है, हैंस कोरोना लॉस इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, स्पेस बिटवीन दी कंडक्टर. अगर हम लोग का दो कंडक्टर के बीच में अगर हम लोग स्पेस बहुत इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, कोरोना लॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स कोरोना लॉस रिड्यूस कर जाएगा. अगर हम लोग का लाइन वोल्टेज अगर हम लोग का इंक्रीज होगा तो कोरोना लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोरोना डिस्चार्ज. तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, लेट्स सी. द कोरोना इफेक्ट व्हिच कॉजेज द पावर लॉस. ऑब्वियसली कोरोना लॉस होगा तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग के कंडक्टर में क्या होगा, पावर लॉस भी होगा. एंड वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर ऑकर बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट, देयर विल बी अ वाइब्रेशन एग्जिस्टिंग ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट. नेक्स्ट,
कोरोना इफेक्ट जनरेट द ओजोन बिकॉज ऑफ विच द कंडक्टर बिकम क्रोसिव. तो कोरोना क्या प्रोड्यूस करता है, ओजोन प्रोड्यूस करता है अराउंड द कंडक्टर एंड हैंस इट विल क्रोसिव इन नेचर. मतलब कंडक्टर को क्या कहते हैं, क्रोजन. कंडक्टर में क्या है, क्रोजन होता है इसके कारण. नेक्स्ट क्या है, द कोरोना पावर लॉस रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन लाइन. ऑब्वियसली पावर लॉस अगर इंक्रीज होगा तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी रिड्यूस होगा, हैंस पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगा. होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द कोरोना डिस्चार्ज. अगर हम लोग कंडक्टर का साइज को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो हम लोग कोरोना लॉसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. और अगर हम लोग दो कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो हम लोग का क्या होगा, कोरोना लॉस भी डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.